देश का पहला सबसे बड़ा डोमेस्टिक क्रूज मुंबई से गोवा के बीच शुरू हो गया है। 131 मीटर लंबे शिप का नाम अंग्रिया है। शिप में 104 कमरे हैं। एक बार में इसमें 350 लोग सफर कर सकते हैं। इसमें सभी लोगों के लिए सोने की भी व्यवस्था है और साथ ही शिप में किराए की 6 श्रेणियां हैं जो 6,000 से 11,000 रुपए के बीच है। किराए में हाई टी, डिनर और ब्रंच भी शामिल है। क्रूज में 2 रेस्टोरेंट, 3 ओपन डेक, 24 घंटे खुले रहने वाली कॉफी शॉप भी है। मुंबई के अंदर देश के पहले घरेलू क्रूज टर्मिनल की आज शुरुआत हुई है और उसके बाद ही वहां से जो पहली क्रूज सर्विस है यानी मुंबई टू गोवा, उसका भी शुभारंभ हुआ है। और इस जो क्रूज सर्विस है उसका जो शिप है उसकी लेंथ है 130 मीटर की और इस क्रूज के अंदर 5 स्टार होटल की तर्ज पर सभी तरह की सुविधाएँ मौजूद है, यानी कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, लॉन्च, स्विमिंग पूल, स्पा रूम, तरह की तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं इस शिप के अंदर, क्रूज के अंदर मौजूद है। और जो टोटल नंबर ऑफ रूम्स हैं वो 104 रूम्स हैं जिसमें 350 लोग एक वक्त पे ट्रैवल कर सकते हैं। हर दूसरे दिन यानी हफ्ते में 3 बार ये जो सर्विस है मुंबई से गोवा और गोवा से मुंबई के बीच में चलेगी। और जो प्राइसिंग है, फेयर है, वो 6,000 रुपये से शुरू है और 11,000 रुपये अधिकतम है। अलग अलग कैटेगरीज है, 6 कैटेगरीज में आप अपनी टिकट की बुकिंग करा सकते हैं। अभी जो इस सर्विस के अंदर एक बार पर करीब 350 लोग ट्रैवल कर सकते हैं और आगे चल के जो इस शिप को शुरू करने वाली कंपनी है उनका कहना है कि और भी सर्विस शुरू की जाएगी। और जो शिप का नाम दिया गया है आंग्रिया शिप दिया गया है। और जिस तरह से क्रूज़ वाटर के अंदर, क्रूज़ सेवाओं के अंदर जो संभावनाएं हैं उसको देखते हुए इस सर्विस को शुरू किया गया है। और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने इस जो डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल है मुंबई के अंदर उसका निर्माण किया और उसके बाद इस सर्विस को शुरू किया गया है। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। तो देश का पहला सबसे बड़ा डोमेस्टिक क्रूज का सफर जो है वो शुरू हो चुका है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी का कहना है कि अब क्रूज सर्विस वाराणसी और प्रयागराज में भी शुरू करने की योजना है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई एक नई शुरुआत के लिए। तो कितना बड़ा इसे देखते हैं और क्या आने वाले वक्त में हम माने कि जिस तरह से मुंबई गोवा के लिए क्रूज शुरू हुआ है तो और भी देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की सेवाएं शुरू होगी जिससे जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसको और बढ़ावा मिल सके। हमारे देश में 7,500 किलोमीटर का सी फ्रंट है और अब 20,000 किलोमीटर की रिवर लिंक को हम जलमार्ग बना रहे हैं। गंगा में ऑलरेडी 1680 करोड़ हमने काम किया है। अगले साल मार्च में वो भी सब शुरू, वैसे अभी शुरू हुआ है। 5 स्टार 7 स्टार क्रूज उसमें है और अभी इलाहाबाद से वाराणसी भी कर रहे हैं। उधर बराक का हमने पूरा ड्रेजिंग किया है। ब्रह्मपुत्रा का लगभग ड्रेजिंग काफ़ी जोरों में शुरू है। मुझे लगता है आने वाले समय में जलमार्ग के कारण लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 18% 16 से 18% है, चाइना में 8 से 10% है। अब जब पानी पे आएंगे तो वो 12 से 14% आएगी, तो इंटरनेशनल मार्केट में हम कॉम्पिटिटिव होंगे। अब वाराणसी से हमारी शक्कर बाहर जा रही है, हमारे यहाँ कोयला आता है वहाँ फराक्का में और वहाँ फ्लैश बांग्लादेश को एक्सपोर्ट हो रही है। करीब 8 लाख टन का माल अभी वाराणसी से गया है। एक अच्छी शुरुआत है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी तरह इसमें रिस्पॉन्स। सर, जिस तरह से कहा कि टूरिज्म के अंदर तो काफी मौके हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट है उसके लेके, तो इसके अलावा भी और क्या क्या चीजें हैं जिसपे फोकस करके और भी दूसरी सेक्टर से उनको बढ़ावा दिया जा सकता है? सी प्लेन, कैटरमैरन, हावरक्राफ्ट, MPBS प्लेन और अभी हम लोग मुंबई, नया मुंबई का एयरपोर्ट है उसको भी पानी से जोड़ रहे हैं ताकि आप कहीं भी गिरगांव चौपाटी से लेकर बसे विरार से लेकर कैटरमैन में बैठोगे, बोट में बैठोगे और एयरपोर्ट जाओगे और एयरपोर्ट उतर के सामान लेके एयरपोर्ट अंदर जाओगे। तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ा फायदा इस और से मुंबई के लिए। और कौन कौन से जो प्रोजेक्ट है जिसपे आप काम कर रहे हैं जिससे आने वाले वक्त में वो देखने को मिलेंगे? थाना से विरार तक हमने 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर किया है। फर्स्ट फेज 600 करोड़ में हम काम शुरू करेंगे। उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।